बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कूल टेक। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके डेक्कन कंपनी के या एक्सन कंपनी के एसी में एरर आएगा तो आप इस रिमोट से एरर को कैसे जान सकेंगे। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले जो भाई चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के निशान को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलेगा इस वीडियो शुरू करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक्सन कंपनी का लगा हुआ है एसी, ठीक है। ये उसका इंडोर यूनिट है और ये हमारे पास एक्सन कंपनी का रिमोट है, ठीक है। एक्सन का हो या डेक्कन का हो तो फॉल्ट एक ही तरीका ट्रेस करने का कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके एसी में क्या फॉल्ट आ रहा है। बेसिकली इसमें ये होता है कि इसमें एलसीडी नहीं होती, सिर्फ लाइटें होती हैं, तो लाइटें ब्लिंक करती हैं। दूसरे एसी में ये होता है कि डिस्प्ले होता है एलईडी वाला, उस पर आपको एरर शो कर देता है F1 का, E5 का, F4 का, F6 का, U1 का, इस तरह के एरर शो हो जाते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें ना लाइटें लगी होती हैं तो वो हमारी लाइटें जो ब्लिंक करती हैं तो कोड को जज करना जो मुश्किल हो जाता है, फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक्सन कंपनी के या डेक्कन कंपनी के एसी के ऊपर जब एरर आए, लाइट ब्लिंकिंग करें, तो रिमोट से आप कोड कैसे जान सकेंगे एरर को, कि रिमोट से आप कैसे जान सकेंगे कि इसमें क्या एरर आ रहा है, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये एसी हमने ऑन कर दिया। ये देखिए, ये बिल्कुल आपके सामने, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखें फ्रेंड, इसकी लाइट जो वो जल गई है ग्रीन कलर की, ठीक है। ग्रीन कलर की लाइट जलने के बाद देखें ब्लिंग होना शुरू हो जाती है। ये देखें ब्लिंग हो रही है, ये आपके सामने, ये देखें ये लाइट ब्लिंग हो रही है ग्रीन कलर की, ठीक है ना। सबज कलर की लाइट ब्लिंग हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखें, ये इसकी लाइट है, ये देखें ये ब्लिंग हो रही है, ठीक है। तो अब इस कोड को, इस एरर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये रिमोट है हमारा, ठीक है। इसके ऊपर ये देखें, दो बटन आपको नज़र आ रहे हैं नीचे, कैंसिल का, ठीक है, ये भी कैंसिल का है और ये भी कैंसिल का है, ठीक है। ये कैंसिल के बटन, कोई सा बटन ले ले कैंसिल का, इसको आपने सिर्फ ये देखें कुछ सेकंड के लिए प्रेस करना है। ये देखें, ये देखें हमारे रिमोट के ऊपर, ये देखें आप कि 00 शो हो गया, ठीक है, 00 आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब इसको दोबारा, इसके एरर कोड को फाइंड करने के लिए हमें फिर दोबारा कैंसिल के बटन को प्रेस करना पड़ेगा। ये देखें, जब हम कैंसिल के बटन को प्रेस करेंगे तो जो हमारी इंडोर की पीसीबी है उसमें से बज़र की, बेल की आवाज़ आएगी, ठीक है। जब लंबी आवाज़ बज़र की आएगी, बेल की, तो समझ जाएं कि ये एरर है आपका, ठीक है। ये देखें, ये कैंसिल के बटन को प्रेस करता हूँ, ये देखें U4 का इसने एरर दिया है, लंबी बज़र दी है, ठीक है। तो जो एक्सन के में एसी में U4 का एरर होता है बेसिकली, वो इसमें कम्युनिकेशन का एरर होता है, इंडोर से आउटडोर कम्युनिकेशन का एरर है। अगर इसमें वायर ख़राब हो जाएगी इंडोर से आउटडोर तो तब भी ये U4 का एरर देगा। ये देखें आपके सामने, अगर आउटडोर की पीसीबी में या इंडोर की पीसीबी में फॉल्ट आएगा तब भी ये U4 का एरर देगा। बेसिकली ये कम्युनिकेशन का फॉल्ट है, ठीक है। दोबारा प्रेस करते हैं, ये देखें L5 का एरर दे दिया, लेकिन अभी बज़र हमें सिर्फ छोटी सी बज़र दी है, उसने लंबी बज़र नहीं दी। ये देखें, ऐसे करते जाएंगे हम, ये देखें छोटी छोटी बज़र दे रहा है, लेकिन जब U4 पे हमारा आएगा तो ये लंबी बज़र देगा, लंबा साउंड साउंड देगा, ठीक है। तो इससे हमें जज हो जाएगा कि हमारा इसमें क्या एरर है। देखिए अभी इसमें U4 का एरर है, ये देखें, ये आस्ता आस्ता करके हम प्रेस करेंगे, देखें अभी जो बजर हल्की सी हो रही है, बस जैसे हम ऑन करते हैं एसी को, टेम्परेचर को अप डाउन करते हैं, इस तरह हो रही है। लेकिन जब हमारा कोड फाइंड हो जाएगा, लंबी बजर होगी, ये देखें ये 00 हो गया, दोबारा शुरू से स्टार्ट करते हैं दोबारा। ये देखें, ये देखें, ये देखें,
इसने लंबी बज़र दी है। तो इसमें जो हमारा फॉल्ट है वो U4 का फॉल्ट है, ठीक है, कम्युनिकेशन का फॉल्ट है। तो अब इसकी PCB को हम चेक करते हैं क्या फॉल्ट है उसको, और फॉल्ट को आउट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक कर दे, और जो भाई चैनल के हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़।